गुड मॉर्निंग बच्चों, स्टूडेंट। आज मैं आपको पार्ट 3 मात्रा शब्द और वाक्य से संबंधित पाठ्यपुस्तक के प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। देखिए, प्रश्न है कि मात्रा किसे कहते हैं, हमें क्या बताना है। देखो, हमने पार्ट में पढ़ा था मात्रा शब्द और वाक्य के बारे में, तो अब इन्हीं जो हमने पढ़ा था उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो हमें हल करने हैं। तो देखिए, प्रश्न क्या है कि मात्रा किसे कहते हैं। देखो, स्वरों को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए जाते हैं उन्हें हम मात्रा कहते हैं, कि जो स्वर होते हैं उनको लिखने के लिए जो चिन्ह होते हैं उन्हें हम मात्रा कहते हैं। क्यों? जैसे हमें कोई शब्द लिखना है तो हम उसमें स्वर का उपयोग ना करके स्वर की मात्रा का उपयोग करते हैं, तो उसके लिए एक निश्चित चिन्ह होता है, तो इन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए शब्द किसे कहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, हमें क्या बताना है कि शब्द किसे कहते हैं और अर्थ के आधार पर जो शब्द हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकले शब्द कहलाता है। किसे कहते हैं शब्द किसे कहते हैं कि वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकले शब्द कहलाता है, यानी जो वर्ण हैं वो मिले हुए हों और उनके मिलने पर कोई एक ऐसा अर्थ निकले, वर्ण के मिलने पर क्या कि जो भी वर्ण मिला है उसका एक अच्छा अर्थ निकलना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, शब्द। हम और क्या पूछा था कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, जो अर्थ है उसके आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखो, सार्थक व निरर्थक के शब्द के अर्थ बताइए। हमें क्या करना है, हमें जो सार्थक शब्द है और निरर्थक शब्द है उसके हमें अर्थ समझाना है। सार्थक शब्द कि जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। किसे कहते हैं कि ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ होता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे बिजली, पानी आदि। देखो, बिजली और पानी दोनों ही ऐसे शब्द हैं जिनका नाम सुनते ही आपको कोई वस्तु याद आ जाती है, तो इसका क्या है, इसका एक अर्थ निकल रहा है, तो ये क्या हुए, सार्थक शब्द। ठीक है, अब देखो निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। सार्थक तो क्या होते हैं, जिन शब्दों का अर्थ होता है, और निरर्थक क्या होते हैं, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे जो ये बच्चों निरर्थक शब्द होते हैं इनका प्रयोग हमेशा सार्थक शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे कभी कभी हम बोलते हैं ना कि कोई बिजली नहीं गिर रही है, तो देखो जो बिजली है उसका तो अर्थ निकला, हमें पता चल गया, बिजली करते ही हमें किसी ना किसी चीज़ का ध्यान आया, लेकिन बिजली इसका कोई भी अर्थ नहीं है, तो ये क्या है, ये है निरर्थक शब्द। इसी तरीके से देखिए पानी, वाणी, देखो इसमें पानी इसका तो एक अर्थ है लेकिन जो वाणी है इसका कोई भी अर्थ नहीं है, तो जो वाणी है वो एक निरर्थक शब्द है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अगला प्रश्न करेंगे अब हम अगला प्रश्न क्या है, वाक्य किसे कहते हैं। तो देखो, वाक्य क्या है कि जिस प्रकार वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं उसी प्रकार शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है। क्या कि जैसे हम वर्ण को मिलाते हैं और उसका अर्थ निकलता है तो वो क्या कहलाते हैं, वो शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार जब हम शब्दों को मिलाते हैं और उनका अर्थ निकलता है तो वो क्या कहलाते हैं, वो वाक्य कहलाते हैं। तो देखो प्रश्न उत्तर क्या होगा कि जिस प्रकार वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं उसी प्रकार शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमने इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर कर लिए हैं। आप भी प्रश्न उत्तर को अपनी कॉपी में करिए और समझिए। धन्यवाद।